हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम माइक्रोबियल न्यूट्रिशन और बैक्टीरियल कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। और फर्स्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि बैक्टीरिया को या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए या रिसर्च पर्पस के लिए हम उसका जो ग्रोथ है वो रिसर्च लेबोरेटरी में भी कराते हैं, कुछ एक एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करके। तो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए हमें एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप किसी को रखना चाहते हो, मान लो कि कोई आप किसी चीज़ को ग्रो करना चाहते हो, किसी प्लांट को घर में ग्रो करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए ना कि इसको कितने पानी की ज़रूरत है, इसको कितने सनलाइट की ज़रूरत है, इसको कितने छांव की ज़रूरत है। इन सब चीज़ का आपको पता रहना चाहिए, तभी उस प्लांट को आप अच्छे से ग्रो कर पाओगे, ठीक है। उसी तरीके से जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लेबोरेटरी में ग्रो करते हैं, तब लेबोरेटरी में उस कंडीशन को बनाना पड़ता है, वो एनवायरनमेंट मेंटेन करना पड़ता है जो एनवायरनमेंट उस बैक्टीरिया के लिए या उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल हो, ओके? चाहे वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो फिजिकल रिक्वायरमेंट हो, दैट मीन्स एनवायरमेंटल फैक्टर हो, ह्यूमिडिटी हो, पीएच हो, वाटर कंसंट्रेशन हो या और कोई चीज़ हो, तो उन सब चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है, तभी जाके उस पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अच्छा ग्रोथ होता है और हम उस पर रिसर्च या स्टडी कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स पढ़े थे, हमने देखा था कि रिक्वायरमेंट्स किन मटेरियल्स की होती है। उसमें हमने देखा कि कार्बन की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए। हम कार्बन का यूज़ ज़रूर करते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो पूरे लाइफ साइकिल है उसमें कार्बन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। कार्बन के साथ साथ आगे हम कुछ और भी देखें, कार्बन के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट आगे हम और देखें तो यहाँ पे अब नाइट्रोजन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर केस हो तो वहाँ पे नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और नाइट्रोजन की भी मदद से बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो एक तरह से एनर्जी लेते हैं, ओके? एनर्जी लेते हैं। एनर्जी किस तरह से? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में आपने सुना होगा। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जब नाइट्रोजन फिक्स करेगा और कई सारे रिएक्शंस होते हैं, तो कई रिएक्शंस में एनर्जी निकलती है। वो जो एनर्जी निकलती है वो तो यूटिलाइज होती है ना, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन ज़रूरी है। तो वो जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फेवरेबल होती है, ओके? तो उसके आगे हम देखते हैं अब नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन किस तरह से हेल्पफुल होता है बैक्टीरिया के कल्चर के लिए या बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए। हम आर्टिफिशियल कल्चर की बात अभी नहीं कर रहे हैं, हम नेचुरली ग्रोथ की बात कर रहे हैं, जो नेचुरल ग्रोथ में रिक्वायरमेंट है, और इन्हीं रिक्वायरमेंट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए हम आर्टिफिशियली इन्हीं चीज़ों का एक बैलेंस्ड कंसंट्रेशन लेते हैं, ताकि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम लेबोरेटरी कंडीशन में ग्रो करवा सकें, ओके? सो हम देखते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन को फिक्स करना मतलब एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है उसको किसी और कंपाउंड में कन्वर्ट करना, और अलग कंपाउंड में कन्वर्ट करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करके उसका यूटिलाइजेशन करना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का डायरेक्ट यूटिलाइजेशन ना करके उसको फिक्स करके दूसरे कंपाउंड के फॉर्म में उसका यूटिलाइजेशन करना, ठीक है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन फिक्सिंग की बात करें तो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं, कई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम है ये दो अलग अलग तरीके से होता है। एक होता है जहाँ पे सिम्बायोटिक बैक्टीरियाज या सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका यूज़ होता है, और दूसरे में फ्री लिविंग बैक्टीरियाज जो है उसका इस्तेमाल होता है, ओके? तो हम सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में पहले पढ़ते हैं। पहले जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ओके? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये दो पार्ट्स में होता है। सबसे पहला बाय सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सबसे पहला किससे होता है? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक का क्या मतलब होता है? सिम्बायोटिक का मतलब होता है एक तरह से एक दूसरे पे डिपेंड रहना। अब इसका मतलब आपको समझ में आएगा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक होते हैं
वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं, जो लेग्यूम्स प्लांट होते हैं, जिनको आप क्या कहते हैं, जहाँ पे बीन्स उगते हैं या इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स, उनके नोड्यूल्स में, रूट के नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। ओके, सो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पाया जाएगा? आर प्रेजेंट इन नोड्यूल्स, इन प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन नोड्यूल्स ऑफ रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। लेग्यूमिनस प्लांट्स जो हैं उनके रूट्स के नोड्यूल्स में ये पाए जाएंगे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जो कि सिम्बायोटिक होंगे। सिम्बायोटिक मतलब कि ये जहाँ पे पाए जाएंगे उस प्लांट के लिए फेवरेबल होंगे और उस प्लांट के थ्रू अपने अंदर कुछ ग्रहण करेंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे, प्लांट के लिए ये ज़रूरी होंगे और इनके लिए प्लांट ज़रूरी होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होना। उसके आगे अपन देखते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जैसे कि एग्जांपल में आप लिख लो यहाँ पे राइजोबियम। एग्जांपल में आप क्या लिखोगे? राइजोबियम। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में। ओके, कन्वर्ट्स, एटीएम में लिख रहा हूँ एटमॉस्फेरिक के लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया या NH3 आप लिख लो। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में ये कन्वर्ट करते हैं। ओके, उसके बाद अपन देखते हैं कि ये जो कन्वर्जन होता है ये एक एंजाइम के थ्रू होता है, थ्रू एन एंजाइम, और एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज, कॉल्ड तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम की मदद से कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज जो हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं ये जो अमोनिया है, दिस अमोनिया कैन बी यूज्ड एज, ये जो अमोनिया है वो यूज़ किया जा सकता है अमीनो एसिड प्रोडक्शन में, यूज्ड इन अमीनो एसिड प्रोडक्शन। कहाँ यूज़ किया जा सकता है? अमीनो एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है। और अगर अमीनो एसिड के प्रोडक्शन में यूज़ किया जा सकता है, दैट मींस कि प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। अगर ये अमीनो एसिड बना रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अमीनो एसिड मिलके क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो इनडायरेक्टली वे में ही, पर एक तरह से इनडायरेक्टली क्या, डायरेक्ट वे में ही जब अमीनो एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है तो आगे जाके ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होगा। ओके, तो ये तो था आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बारे में। अब देखेंगे हम नेक्स्ट हम देखते हैं अपने फ्री लिविंग बैक्टीरिया से कैसे नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ओके, बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया।
पहला क्या था, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, मतलब वो किसी और पे डिपेंड था रहने के लिए, इसलिए वो उसको भी कुछ प्रोवाइड कर रहा था, उसके लिए भी कुछ काम कर रहा था, तो ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। बट यहाँ पे ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये किसी भी पे डिपेंडेंट नहीं है, फ्री लिविंग है एनवायरनमेंट में। इसके बारे में अगर अपन देखें फ्री लिविंग के बारे में, तो जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन को रिडक्शन के माध्यम से अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। फ्री लिविंग बैक्टीरिया के बारे में अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये रिडक्शन की मदद से, रिडक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर रिडक्शन की मदद से अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अपन देखते हैं कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ठीक है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं बाय रिडक्शन, रिडक्शन करके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ, यहाँ पे सम लिख लो आप, सारे नहीं, कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरियाज के द्वारा। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं कि एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो उसमें क्लॉस्ट्रीडियम या एंटरोबैक्टर के बारे में, एग्जाम्पल में आप क्लॉस्ट्रीडियम और एंटरोबैक्टर के बारे में आप लिख सकते हो। आगे अपन देखते हैं कि कुछ कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास, कीमोऑटोट्रॉफिक याद है ना, ऑटोट्रॉफिक को अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया था, फोटोऑटोट्रॉफिक और कीमोऑटोट्रॉफिक। तो कीमोऑटोट्रॉफिक जो हैं, एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो नाइट्रोसोमोनास, वो जो है अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं और अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं। अमोनिया क्या था, NH3, उसको कन्वर्ट करेंगे आप अमोनियम में NH4 में, या फिर अमोनिया को अमोनियम में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो कुछ फ्री लिविंग बैक्टीरियाज जो कि हैं कीमोऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सम कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया लाइक नाइट्रोसोमोनास कैन कन्वर्ट अमोनिया टू या इनटू अमोनियम, ये होगा बाय ऑक्सीडेशन, वहाँ पे क्या था रिडक्शन, यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं, अब ये जो है अमोनियम बना, ये फाइनली क्या करेगा, ये अमोनियम जो है नाइट्राइट का फॉर्मेशन करेगा, नाइट्राइट आयंस का फॉर्मेशन करेगा, और जो एनर्जी वहाँ पर रिलीज होगी वो एनर्जी जो है वो बैक्टीरिया के यूटिलाइजेशन, मतलब बैक्टीरिया उस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा, मतलब ये जो अमोनिया है, अमोनियम यहाँ पे सबसे पहले अमोनिया से अमोनियम बना, उसके बाद जो आपका नाइट्रिक, जब अमोनियम से नाइट्रेट बना या अमोनियम से नाइट्राइट आयन जब बने, तो नाइट्राइट आयन अमोनिया से बनने के बीच में जब फाइनल प्रोडक्ट निकलता है तो उसमें एनर्जी भी निकलती है साथ साथ, वो जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को कौन यूज़ करता है, यही जो बैक्टीरिया है वो यूज़ करता है। तो अब यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन से एक चीज़ आपको समझ में आई कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जब बैक्टीरिया करेगा तो वहाँ पे कई बार एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और वो जो एनर्जी है वो बैक्टीरिया के यूज़ में आएगी, इस कारण से बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करते भी हैं ताकि एनर्जी बराबर निकलती रहे, उस एनर्जी को वो यूज़ करते रहें अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी को प्रॉपरली फंक्शनल बनाए रखने के लिए। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं कि जो एक कन्वर्जन होता है अमोनिया का नाइट्रिक में या नाइट्रेट में, तो अमोनिया का नाइट्रेट में जो कन्वर्जन होता है उसको अपन बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, अमोनिया का जो नाइट्रेट में कन्वर्जन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट अपन लिखते हैं यहाँ पे कि कन्वर्जन ऑफ, इसके बीच में एक प्रोसेस और डाल देना कि नाइट्राइट का कन्वर्जन होता है नाइट्रेट में, नाइट्राइट का कन्वर्जन होता है नाइट्रेट में और यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस लगती है, मतलब ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड होता है तब नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। कुछ बैक्टीरियाज ये भी काम करते हैं लाइक नाइट्रोबैक्टर,
नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होता है वो नाइट्राइड को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है बाय ऑक्सीडेशन। ठीक, तो मतलब फाइनली क्या हुआ कि अमोनिया से नाइट्राइड बना, फिर नाइट्राइड से नाइट्रेट बना, और ये अमोनिया से जो नाइट्रेट बनने का प्रोसेस है, अमोनिया नाइट्राइड देन नाइट्रेट, ये जो प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेस कहलाता है आपका नाइट्रिफिकेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? नाइट्रिफिकेशन। ओके, इसके आगे हम देखते हैं, फ्री लिविंग बैक्टीरिया से नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ में आ गया, अमोनिया से जब नाइट्रेट बना, अमोनिया पहले था, अमोनिया को पहले क्या किया गया, नाइट्राइट में कन्वर्ट किया गया, किसमें? नाइट्रोसोमोनास जो बैक्टीरिया है उसके द्वारा, वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। उसके बाद वो जो नाइट्राइट बना उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया गया नाइट्रोबैक्टर के द्वारा, वो भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस था, वहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल ऑफ जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन हुआ और वहाँ पे वो जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो नाइट्रेट में जब कन्वर्ट हो गया तो इस पूरा जो प्रोसेस है अमोनिया से लेके नाइट्रेट बनने का, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, अपन नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया फ्री लिविंग बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के थ्रू जो आपका पूरा का पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन का फंक्शन होता है उसके बारे में। अब नाइट्रोजन के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो कि यूज़ में आते हैं, तो जो अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के अलावा उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नाइट्रोजन के बारे में आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और भी कई कंपाउंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था तो उनको हम एक साथ सारे एक वीडियो में डिस्कस करेंगे, लाइक सल्फर फॉस्फोरस, उनके बारे में भी डिस्कस करना है, तो सल्फर फॉस्फोरस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाइट्रोजन का फिक्सेशन क्या होता है और उससे बैक्टीरिया को क्या यूज़ मिलता है, जब फिक्सेशन होता है तो वहाँ पर एनर्जी की रिलीज होती है, उस एनर्जी से जो बैक्टीरिया है वो अपना जो मेटाबॉलिज्म है वो चलाता है। सिम्बायोटिक के केस में लेग्यूमिनस प्लांट में वो रहता है, लेग्यूमिनस प्लांट जो है उस नाइट्रोजन, फिक्स्ड नाइट्रोजन का इस्तेमाल अपने डेवलपमेंट के लिए करते हैं, और उस कारण से यहाँ पे जो बैक्टीरिया उनके अंदर स्टे कर रहा है वो भी वहाँ से एनर्जी का अपना गेन करता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करते हैं तो वहाँ पे वो नाइट्रोजन फिक्स करने का बेसिक कारण क्या होता है कि एनर्जी जो निकले वहाँ से, उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन बैक्टीरिया अपने मेटाबॉलिज्म को चलाने में कर सके। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था माइक्रोबियल न्यूट्रिशन में नाइट्रोजन का और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ पे ओवर करते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट और ये वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।